शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो यहाँ पे यहाँ से ना मिले। यहाँ बड़ी कंजेस्टेड किस्म की गलियां हैं, जो सड़कें हैं वो दुकानों ने मिली हुई है। इतनी छोटी गली है लेकिन इधर भी एक बंदे ने बाइक। अच्छा जी भाई, देख वही देख रहे हैं, जरा देख तो ले यार। मिक्स है अखरोट, पीनट, बादाम, काजू। इस तरह वाकई आपको एलियन है। रश रश और रश, कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी कार किस ट्रांसफार्मर में है। अब बोर नहीं होंगे सारा दिन फिर। पैकेट कलर है, मुख्तलिफ कलर होंगे। ये 330 का, ये 330 के हैं, ये 180 के हैं, ये दे दे। के ऊपर प्राइस भी है ना वो 60 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरे पैकेट और छालनी की वजह से। अच्छा अच्छा, यहाँ बड़ी कंजस्टेड किस्म की गलियाँ हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं इर्द गिर्द। मैं आपको दिखाता हूँ भी है। इधर सारी गलियों का यही हाल है, सारी गलियां बड़ी कंजस्टेड है। क्या प्राइस है? 280 का पीस। इसकी क्या प्राइस है? इसकी 450। ये कितने का? ये 1290 रुपए। इतने मार्जिन है भैया, कोई समझ आ रहा है? शांति में बैठे हुए सामने नारकल ही है, रंग महल है, इतने इतने मार्जिन होगा, उधर चल जाए, इधर आने का क्या फायदा होगा? कितने का पैकेट है भैया? कितने का? 250। ये 250 है, ये 150 है। 150 पूरा पैक। 150 पूरा पैक। और ये वाला पैक कितने का भाई? ये 200 में पूरा पैक। ये दिखा। 200। वैसे मैंने ये सिंगल पीस मार्केट से लिया था, तो उन्होंने मुझे 50 का एक पीस दिया था। इधर 200 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। 5, 6 मिल गए। नहीं, वो 30 का। थर्टी थर्टी फाइव थर्टी थर्टी। और हैवी कलर, उनके पास सिर्फ व्हाइट कलर था। ये कितने का पैक है? और ये पोनिया? ये 150 का है, वो अकेला 240 का, 30 पीस है उसमें। 240 का 240 के 30 पीस। वो दूसरे वाले हैं, ये 100 150 150 ये 150 का बोला था। 150। ये कितने का? 180। 180। भाई ये कितने की? कितने में? 300। ये 300। ये तीन क्लिप है और 300 का पैक। अभी मैं जहाँ पर हूँ, ये डेकोरेशन मार्केट है और बर्थडे डेकोरेशन, कोई भी फंक्शन डेकोरेशन, शादी, किसी भी किस्म की ओकेजन के लिए यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। ये मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अनॉइड करेगी वो रश है। रश बेपना है इधर। इधर आली आली जो सड़कें हैं वो दुकानों ने मिली हुई हैं, आगे रेड़ियाँ हैं, फिर पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, जिसका जहाँ दिल किया उसने लगा दिया। तसव्वुर कीजिए, ये इतनी छोटी गली है लेकिन इधर भी एक बंदे ने बाइक दाखिल कर ही ली है, और बाइक का सामान भी था अच्छा खासा। अब ये देखिए कितना रश है इधर, और टू वे ट्रैफिक चल रही है, लोग भी चल रहे हैं, रेड़ियाँ भी हैं, दुकानें भी हैं, और सब कुछ चल रहा है। ये कितने का? 150। के लगाने के। और ये कितने के? ये 70 रुपए का। ये 70 रुपए का।
अच्छी क्वालिटी चाइना की है पाकिस्तान की? लोकल कौन सी है? लोकल दिखाना, ये लोकल है और ये चाइना की। ये कितने का? 100 रुपए 20 कितने का? कुछ ऑफर ली थी ना मैडम, 30 वो देखो सामने अच्छा जी भाई देख, वही देख रहे हैं जरा, देख तो ले यार वही वाली गाड़ी है। ऑफ करके इसको चार्जिंग करना आपने 1.5 घंटा, मोबाइल का जोकर है उसमें लगा के ऑफ करके, बार बार बता रहा हूँ करके ना लगाना वरना सेल भी खराब हो मोबाइल का जोकर देगा। और ऑटो सिस्टम है, बंद कर दिया तो बंद हो गया, चलती रहेगी। ये कितने का? 120 का 100 में मिल जाएगा। 100 में सही है। दरवाजे ना बड़े हैं, बड़े हैं महल के दरवाजे, वो भी बंद हो जाए। ये ना एक पाव करता मिक्स है, अखरोट, पीनट, बादाम, काजू, 1200 रुपए किलो। अच्छा इतने रश में कैमरे की तरफ देखते हुए बात करना, लोग आपको ऐसे देखते हैं अजीब अजीब तरह, जिस तरह वाकई आपको एलियन है। यहाँ अगर आप शालमी में आते हैं तो चीज़ें तो आपको सारी मिल जाएंगी, शालमी मार्केट में तो चीज़ें तो आपको सारी मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज़ से आपने डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करना है, वो है रश, रश और रश, चाहे वो ट्रैफिक का हो चाहे वो लोगों का हो, इधर रश बहुत ज़्यादा है। और इधर ऑफ रश आवर्स कोई भी नहीं है, इधर सारा दिन रश रहेगा सुबह से लेकर रात तक। सड़कें बहुत खुली खुली हैं, गलियां भी, लेकिन वो कंजस्टेड इस तरह हो गई हैं कि बिल्डिंग्स बहुत लंबी लंबी बन गई हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन गई हैं, पार्किंग पे हंगम है जिसका जहाँ दिल किया उसने खड़ा कर दिया। इधर जो एक और चीज़ नोटिस की है वो ये है कि यहाँ पर बिजली के निज़ाम की आपको कुछ समझ नहीं आती, तारों के गुच्छे के गुच्छे हैं और कुछ समझ नहीं आती कि कौन सा किस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए, अब ये ट्रांसफार्मर है, ये तारें हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी तार किस ट्रांसफार्मर में है, ऊपर तारों का कुछ है। और ये बिल्कुल मेन रोड है जिसका मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ। अब इधर जो अंदर तंग तंग भरी भरी गली है, आप सोचेंगे उधर क्या हाल होगा, उधर तारों का क्या सिस्टम होगा और ट्रांसफार्मर की क्या सूरत हाल होगी। दुकानें जो हैं वो आधी आधी सड़कों तक फैल गई हैं, तो इस वजह से आप जब भी आएँ ये सोच के आएँ कि इधर रश बहुत ज़्यादा होगा। तो बहरहाल अगर आप रश को मैनेज कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, और आपको इधर से दुनिया जहाँ की हर चीज़ मिल जाएगी, जो भी आप ख़रीदना चाहें, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगी। और एक दिन में आप सारी मार्केट एक्सप्लोर कर भी नहीं सकते, एक एक सेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए कम अज़ कम कोई 2-3 घंटे चाहिए और पूरा दिन लग जाएगा पूरी मार्केट फिरने के लिए। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जब भी लाहौर आएँ तो शालमी मार्केट जरूर आएँ, इधर के रेट में थोड़ा डिफरेंस पाएंगे आप, मार्केट का रेट होता है और इधर का रेट, इधर होलसेल, इधर ज़्यादातर चीज़ें होलसेल रेट में मिलती हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है रेट का। तो अगर आप रश बर्दाश्त कर सकते हैं, फिरने का स्टेमिना है, सारा दिन लगा के फिर सकते हैं, चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली शालमी मार्केट आपके लिए रिकमेंडेड है, आप इधर ज़रूर आएँ। आप बोर नहीं होंगे सारा दिन फिर करके, नई से नई दुकान, नई से नई चीज़ आपको इधर नज़र आती रहेगी, आप बोर नहीं होंगे।